أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स विजुअल यूनिवर्सिटी के खैर वरीत से होंगे और उनके इम्तहान बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिक, आज मेरा भी इंग्लिश 201 का पेपर था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि आप इंग्लिश 201 के अंदर वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा पहले मैं खुद पेपर दे लूँ। वैसे तो मेरे पास काफ़ी पेपर आ चुके थे जो कल हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कल का भी एक्सपीरियंस भी और खुद भी दे लूँ, तो ये सारा मिला के ताकि एक दफ़े वीडियो बनाऊँ तो ये इस दफ़ा सेमेस्टर में उनको फाइनल टर्म का भी फ़ायदा हो जाए, अगले साल जो फाइनल सेमेस्टर में फाइनल टर्म होंगे उनका फ़ायदा हो जाए। मतलब ये फ्यूचर टाइम मैंने सोचा, इसलिए इस ENG 201 की वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। तो आज मेरा भी ENG 201 का पेपर हो गया, 11 बजे था मेरा पेपर, 1 बजे एंड हुआ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको ENG 201, ये वीडियो हमारी तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट के दरमियान होगी, और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वो सारा नॉलेज डिलीवर कर दूंगा कि जिससे आप कम वक्त में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक आपने बिल्कुल कोई चीज़ मिस नहीं करनी, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको इंग्लिश 201 पास करना मुश्किल नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं, कई और स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है। तो इसके अलावा मैं आपको हैंडआउट्स के अंदर से कुछ बताऊँगा, मैं आपको पास पेपर्स के अंदर से बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने हैंडआउट्स अपने पास रख लें और आप इस वीडियो को आप हैंड फ्री लगा लें और ध्यान से इस वीडियो को आपने सुनना है, ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल जिसका नाम आपके सामने मेंशन है फन इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन विद साकिब, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन यह है कि हमें उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल जाता है। अब बहुत सारे 95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनका क्या नुकसान हो जाता है, ये आपसे गिला है। 95% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप लोग अच्छे रिमार्क्स भी देते हैं कमेंट के अंदर और कॉन्टैक्ट भी करते हैं, तो इसका मतलब आप ये किया करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको साथ लगे बेल आइकन का बटन दबाएं। पहले आप जल्दी जल्दी दबा लें, सब्सक्राइब का बटन ऑन करें, हो गया ऑन, चलें अब आप साथ लगे घंटी का बटन भी दबा दें ताकि जो मैं इतनी मेहनत करूंगा उसका मुझे कोई ना कोई रिवार्ड मिल गया। आपके लिए तो वीडियो देख ही देखनी है, मुझे उम्मीद है कि जो जो वीडियो देखेगा आज कल साल को, 2 साल को, 5 साल को, जो पहली दफ़ा देखा गया इंशाल्लाह उसने चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और ये आपके लिए गलत फैसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर आपको 2 माह बाद 1 माह बाद लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना गलत फैसला है तो आप बेशक अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ, और जो आज मेरा पेपर हुआ या जो हो रहा है इसमें आ रहे हैं तकरीबन 55 MCQs आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें इसमें तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो तकरीबन लगभग हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन हर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का है। इस सारे पेपर देने के लिए आपको पास 120 मिनट्स का टाइम यानी 2 घंटे का टाइम आपको मतलब इसमें दिया जाता है। तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा ENG 201 का कितना हमें सिलेबस जो है वो हमें दिया गया है, जो हमने पढ़ना है इसमें, ये आपको मैं साथ साथ बताते चलता हूँ। हम आ जाते हैं इसमें, 2 कैलेंडर
देखना तुम आज कोई आया तो नहीं, आज 15 है ये असाइनमेंट कर सकता है एमसीक्यू 2-1-1 का। तो मैंने तुम पढ़ लेते हैं, चले इसको मैं बाद में देख लूंगा इसका क्या। मैं वीडियो की तरफ आता हूँ कि LMS मैंने अभी ओपन किया था, तो इसलिए नोटिफिकेशन को मैंने एक बार का मैं चेक कर लूँ। ENG 201 है, आप देखें ENG 201 हमें कितने लेक्चर हमने करने हैं। अब आपको मैं तक ये देखिए, हमने 23 से लेके 45 तक हमने लेक्चर्स करने हैं, और 1 से लेके जो तकरीबन 23 तक है वो हमारा नहीं, 23 से 45 तक करना, मिड के अलावा क्वेश्चन करना है। लेकिन आप सबको पता है कि 45 जो लेक्चर है उसके अंदर पूरी बुक की एक दफा रिवीजन दी गई है, तो 45 भी इंक्लूड है, 45 का पिछला सारा पार्ट इंक्लूड है। तो इसका मतलब है कि पिछले लेक्चर में भी, पिछले इसमें सिलेबस में भी ज्यादा नहीं, तो 4 से 5 MCQs आ रहे हैं बस, वो भी वो 7 C's और इसके अलावा रिलेटेड एक आ रहा है छोटी शॉर्ट रिपोर्ट, इसके मतलब MCQs आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, आपको मैंने हैंडआउट्स भी ओपन किए हुए हैं, हैंडआउट्स भी मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर की तरफ लेके जाऊंगा कि पेपर क्या हो रहा है। जो मैंने तकरीबन 10 से 12 पेपर देखे हैं कल के स्टूडेंट्स के डिफरेंट पेपर्स, उसमें क्या निज़ाम है उसमें वो मैं आपको टोटली बताऊंगा, और फिर मैं आपको इधर लेके आऊंगा, इधर से भी मैं आपको कराऊंगा, ताकि जो भी बंदा एक बार वीडियो देख लेगा वो इंशाल्लाह जिसने एक दफा दो दफा इस वीडियो को देख लिया वो अच्छे नंबर लेगा। बात यह कि मैंने सिर्फ आपको बताना है, आउटलाइन देनी है, आगे इस पे वर्क आपने करना है, वर्क करके आपने इसको करना है कि आपने मेहनत करनी है। लेकिन इंशाल्लाह जो मेरा मेथड होगा बताने का समझाने का, वो आपको उसके में बड़ी आसानी हो जाएगी कि ये लॉन्ग यहाँ से फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम आते हैं, 55 MCQs थे, 5 शार्ट क्वेश्चन थे 2 नंबर के, 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे 5 नंबर के। ये स्टूडेंट्स ने, ये मैंने इकट्ठा किया, क्या जो कह रहे थे मेरा ट्रू फॉल्स और चॉइस सूटेबल वर्ड आए थे, आपको होता डिफरेंट आया, यानी मैंने डिफरेंट स्टूडेंट पूछा, डेफिनेशन नहीं आई मेरी, लेकिन आपकी डेफिनेशन देख लो फिर भी MCQs में आती हैं। ग्रामर पे ये मैं पहले वो बता रहा हूँ जो मैंने दूसरों से पूछा, जो मैंने जो मेरा वो मैं आपको इंशाल्लाह ओरल बता दूंगा, वो मैंने राइट नहीं किया। एक दूसरा स्टूडेंट ग्रामर बेस्ड था सब, मेरा सब्जेक्टिव भी पैसिव एक्टिव वाइज ट्रू फॉल्स और चॉइस सूटेबल वर्ड थे, प्रपोजल इंस्ट्रक्शन के सुपरस्ट्रक्चर और कन्वेंशनल, आगे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से। उसके बाद ग्रामर में इससे सिर्फ एक क्वेश्चन था, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करें और बाकी ट्रू फॉल्स रिपोर्ट वाले के लेक्चर में से थे। उसके बाद 16 नंबर के ट्रू फॉल्स थे, एक पैराग्राफ जिसमें ट्रांजेक्शन वर्ल्ड को अंडरलाइन करना था, ट्रांजेक्शन वर्ल्ड टू वर्ल्ड हेल्प कंटेंट कनेक्ट लिंक आइडिया सेंटेंस और पैराग्राफ में भी इनका आया था। तो ये मैंने मोटा मोटा पढ़ के बताया, मैं स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ, आप इशाक इसको स्क्रीन को पास करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि वीडियो मैंने शॉर्ट से शॉर्ट करनी है, वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। अब आउटलाइन मैं आपको दूंगा आगे, आपने बस उस पर जोर लगा के तैयारी करके मेहनत करके आपने आगे निकल जाना है इंशाल्लाह। तो अगर कोई मेरी वीडियो बनाते हुए अगर आपको लगे कि मुझे कहीं पे जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट के अंदर आप फीडबैक दें, फीडबैक देंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगा, और आपके आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर आगे जाके भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे आपकी असाइनमेंट GDP आपकी हर किस्म की एक्टिविटीज़ की इसी चैनल के ऊपर आपको सब कुछ रिपोर्ट मिलेगी आपकी हर सब्जेक्ट की। तो आपको पता चल गया कि MCQs थे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पेपर कैसे किस तरह का आया था। अब मेरे भी 55 शार्ट MCQs थे, 55 MCQs में तकरीबन कोई 10% ऐसे थे जो पास पेपर्स के अंदर थे,
यानी को 8 से 10 एमसीक्यू ऐसे थे जो पास पेपर के अंदर से बाकी सारे न्यू एमसीक्यूज बने हुए थे, कोई 3 से 4 ऐसे थे जो क्विज नंबर 3 जो इंग्लिश का होगा उसके अंदर से थे, बाकी मेरे टोटली तौर पे जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे कंसेप्चुअल थे। अब वो कंसेप्चुअल किस तरीके से थे वो मैंने इसलिए हैंडआउट ओपन किए हैं, इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे वो आपको पता चल जाएगा वो किस तरीके से कंसेप्चुअल एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्चुअल एमसीक्यू थे, सेंटेंस दिए हुए थे, बताना था कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज दिया हुआ था, पैसिव वाइज उसका ढूंढना था। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स ठीक करनी थी, इसके अलावा मतलब उसमें उसने नेगेटिव टेंस दिया था और उसमें मतलब पूछा था कि ये गलत है या ठीक है, कुछ ट्रू फॉल्स थे, ठीक है। तो इसके रिलेटेड ये मैं आपको एमसीक्यूज के तौर पर बता रहा हूँ अभी अंदर से, ठीक है। मजीद मैं हैंडआउट्स में लेके जाऊंगा, तब मैं आपको निशानियां लगवाऊंगा कि इसमें आपने क्या क्या सिलेक्टिव स्टडी करनी है, क्योंकि अगर तो आप इसको करेंगे ना करने बैठेंगे तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें यह है कि मैं आपको एक चीज आपको लगवाता जाऊंगा, तो मैं आपको शार्ट क्वेश्चन बता अब अपने बताता हूँ कि शार्ट क्वेश्चन में आए थे एक्टिव वाइज था उसको पासिव वाइज बनाने थे, और फिर कुछ एक क्वेश्चन था 2 नंबर का वो ट्रू फॉल्स थे 2 उसको करना था, फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट और जनरल रिपोर्ट के ऊपर बहस करनी थी, और उसके बाद जो मेरा था वो इंटरव्यूज की के अंदर था एक क्वेश्चन था, स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मजीदा कि आपको ये समझ आ रही होगी कि इसका किस तरीके से पेपर आ रहा है, क्या गाइडलाइन है, क्या किस निज़ाम से आ रहा है। तो पहले तो मैं सबसे पहले मतलब आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि आप एक जगह एमसीक्यू जाए वहाँ पर उसकी भी आप लाजमी तौर पर प्रिपरेशन करें। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद आपने ये लेक्चर के अंदर आना है, लेक्चर के अंदर आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एक बार आपने पढ़ लेना है हर लेक्चर की, ये ना बिल्कुल शॉर्ट से हर जो आपका है ना अपना हर लेक्चर का इसमें शॉर्ट से शॉर्ट आपको बताया गया है। इसके अलावा ये एक दफा ये देख ले, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है कुछ चीज समझ नहीं आती तो यहाँ पर इसके रिलेटेड टोटली क्वेश्चन है, ये हर लेक्चर के सेम लाइक ऐसे है, इसमें ऐसे ही हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हैंडआउट की तरफ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं सिर्फ इस मैसेज को नहीं, ताकि आगे भी ये लोगों के काम आए, ठीक है, ताकि आगे भी क्योंकि जारी बात है हमने तो ये बुक इस मैसेज में पास कर ली इंशाल्लाह, लेकिन ये इंशाल्लाह क्यामत तक जब तक वीयू कोर्सेज करवाती रहेगी, यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज करवाती रहेगी, इंग्लिश 201 का कोर्स ये रहेगा, तो इंग्लिश का कोर्स तो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता, तो ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्प होती रहेगी। तो आपने भी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, इससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होती है, मैं नेक्स्ट टाइम मजीद मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो अब 23 से लेके हमारा जो लेक्चर है वो तकरीबन 23 से लेके 46 तक है। अब देखिए प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स, इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल भी करूंगा और साथ साथ में आपको देखें हम प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स की प्लानिंग करनी है हमने, ठीक है। अब आपको पता है लॉन्ग रिपोर्ट्स कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, और ऐसी रिपोर्ट जिन जो 5 से ज्यादा पेज पर मुश्तमिल होती हैं ये लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं। इसके बाद लॉन्ग रिपोर्ट्स की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताई कि 5 से ज्यादा पर मुश्तमिल होते हैं,
ये फार्मल रिपोर्ट्स होती हैं, और कोई भी देखें एक चीज, अगर रिपोर्ट आए, अगर इंटरव्यू आए, अगर कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट आए, अगर एम्पिरिकल रिपोर्ट आए, अगर जनरल रिपोर्ट आए, देखें हम सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर पूछे कि इसके स्टेप क्या है, इसके बॉडी क्या है, तो आप चंद एक अपने जेन से लिखें। मिसाल के तौर पे हर एक के कुछ कॉमन है, जैसे हर एक का इंट्रोडक्शन होगा, हर एक की आउटलाइन होगी, हर एक का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर हर एक का कंक्लूजन होगा, ठीक है, फिर हर एक का रीचेक होगा। यानी पेपर को कोशिश करना है कि हाल ही नहीं छोड़ना, ठीक है, वहां पे ये नहीं कि आप वहां पे फलसफा लिखना स्टार्ट हो जाना है कि टीचर भी पढ़ के दौर डाल दे कि ये कहां से अंग्रेजी आ रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैलिड कर लिखना है, अपने माइंड पे थोड़ा जोर लगाना है और चीज को सोचना है। आप इंटरव्यू को सोचें, इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू का सब ऑब्जेक्ट होता है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, ठीक है। ये सिक्वेंशली, क्रोनोलॉजी, स्पेशली, जियोग्राफी, कैटेगोरी, इनकी आपने एक दफा देख लेना है। ये अब मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। इफ यू आर स्टडिंग ए प्रोसेस, प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, -1, 2, 3 इज कॉल्ड जियोग्राफी, कैटेगोरी, और ये आपका जो सिक्वेंशली। अब ये पूछेगा कि ये इनमें से कौन है। अब एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, काफी ज्यादा आ रहे हैं। ये एनालिटिक रिपोर्ट का एक एमसीक्यू आया था, इसको आपने पढ़ लेना। आगे ये देखें, प्रिपेयरिंग ए प्रीलिमिनरी आउटलाइन, ये दो है कि मतलब आपने अल्फान्यूमेरिक जो सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम है, ये मतलब आपका दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अपना इसको आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद आगे चले, प्रिपेयरिंग अ वर्क प्लान, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 23 में मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी मैं स्क्रीन भी पकड़ूंगा, ठीक है, तो साथ साथ आपने इसको करते जाना। देखें ये मैं आउटलाइन से आपको बताता हूँ, ये जो था ना लॉन्ग रिपोर्ट्स, जो लॉन्ग रिपोर्ट्स में इसकी बॉडीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा आया था ये सप्लीमेंट्री, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि सप्लीमेंट्री पार्ट्स कौन से हैं, उनको डिफाइन करें, एक एक लाइन में बस लिखना था। ये अपेंडिक्स हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, ग्लोसरी हो गया, इंडेक्स हो गया, इनको आपने देख लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, इंडेक्स होता है, देखें मैं आपको झटकी की चीज बताता हूँ, अगर हम कोई भी बुक लेते हैं ना तो उसके ऊपर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, टॉपिक्स को जो फिनिश होती है ना, ये इस नंबर पे, नंबर पे, ये इस पेज नंबर पे है, उसको इंडेक्स कहते हैं। ग्रोसरी क्या होती है, ग्रोसरी होती है, नीचे आ जाते हैं आपको ताकि ये ना आप समझे खास, ये मैं यहाँ से मैं खा रहा हूँ, ठीक है। अपेंडिक्स में आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ जहाँ पर टेबल्स इंक्लूड होते हैं, पिक्टोरियल होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि बुक के अंदर कुछ जो मटेरियल होता है ना, वो बाय से शामिल किया जाता है, जैसे अखबारों से, इश्तहारात से, किताबों से, तो उसको लहदा करके लिखा जाता है, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ग्लोसरी क्या होती है, स्पेशल टर्म्स होती हैं, वो टेक्निकल टर्म 9th-10th की बुक के अंदर जो पीछे होती थी, वो टीचर कहते थे इंपॉर्टेंट है, इसमें शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको ग्लोसरी कहते हैं। इंडेक्स मैंने आपको बताया कि उनके लोकेशन ढूंढने के लिए नंबर वाइज होता है, ठीक है। ये विजुअली एड्स को आपने अच्छे से कर लेना है, आप विजुअली एड यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, वहां पर जाकर आप इससे 15-20 मिनट की वीडियो देख लें। ये लेक्चर नंबर 24 है और इसने आपकी 40 लेक्चर नंबर तक जाननी छोड़नी, तो एक दफा इसको समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एमसीक्यूज भी काफी आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं। मैं आपको समझाने के लिए, अगर मेरी समझ आती है आपको, मैं समझाता हूँ विजुअल ऐड क्या होते हैं। देखो भाई, एक तो मिसाल तो मेरा नाम साकिब है, मैंने लिख दिया माय नेम इज साकिब, ठीक है। लेकिन एक ये भी मैंने अपने आपको अपने अपना नाम पेश करने की मैंने एक तरीकाकार आपको बोल के बता दिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे
अगर यही एक मैं जनाब एक हाल हो आप बैठे हूँ और मैं वो लगा के प्रोजेक्टर लगा के बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर आए पिक्चर के अंदर आए माय नेम इज सादत तनवीर, तो उस तरह किसी भी चीज को बयान करने को हम विजुअली एड्स कहते हैं, वो बेशक स्लाइड के जरिए हो, वो बेशक वीडियो के जरिए हो, वो बेशक पिक्चर के जरिए हो, वो जिसके मतलब इसको विजुअली एड कहते हैं, वो टेबल्स के जरिए हो, लाइन एंड सर्विस चार्ज के जरिए हो, इसको विजुअली एड कहते हैं। लेकिन फिर भी आप एक दफा इसको अगर समझ नहीं आई तो इसको यूट्यूब से समझ लीजिएगा। जनरल रिपोर्ट्स आ जाती है, मैंने इसके अंदर आपको बताया कि जनरल रिपोर्ट्स के अंदर इसकी बॉडीज आपने बॉडीज आती हैं, तो आपने हर एक की बॉडीज के कुछ मुश्तरक है, तो आपने कुछ ना कुछ जेन के अंदर आपने इसमें से लाजमी रखना है। तो ये डिस्कशन कंक्लूजन रिकमेंडेशन इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप 26 शुरू हो गया, एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, ये मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। एमसीक्यूज में आया था एम्पेरिकल स्ट्रक्चर के जो इसका सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके कितने अपना होते हैं, तो ये देखें 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 7 मतलब होते हैं, मैं 6 लगाया हूँ, ठीक है। तो जो चीज हकीकत है, हकीकत में मुबनी, वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है, जब कहीं पे मेरी भी मेरे से भी गलती हुई है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के 6 थे और इसके 7 थे, बस ये थोड़ा सा ना आपने ये गलती नहीं करनी, तो ये मैं साथ में इसको मेंशन भी करता जाता हूँ। ये है ना इसके 7 7 है, तो आगे द क्वेश्चन आस्क मोड ये कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखें ये सुपर स्ट्रक्चर को ना आपने एक दफा अच्छे से स्टडी करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपने एक दफा स्टडी कर लेना है। ये है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन हो सकता है, मतलब जब किससे पूछना है, रीडर से क्वेश्चन करने हैं, तो ये उसके रिलेटेड है। ये देखें ये बार बार वो चीजें आनी है, कंक्लूजन रिकमेंडेशन डिस्कशन, इसको एक दफा झटके तरीके से आपने समझ लेना, झटके तरीके से आपने एक दफा समझ लेना। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैं आपको ना आसान से तरीके से समझाता हूँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है। बेसिकली ना जब कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है, मिसाल के तौर पे आपके इलाके में गवर्नमेंट ने एक पार्क ओपन करना है, लोग कह रहे हैं पार्क ओपन कर रहे हैं, या वहां का मुंतब नुमाइंदा कह रहा है, सोसाइटी कह रही है, कोई भी कह रहा है, अब उससे पहले गवर्नमेंट कुछ रिसर्चर को भेजेगी, उससे बोलेगी जाके देख के आओ भाई ये जो हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है इसका आवाम को और हमें को फायदा है या नहीं है। तो फिर कोई टीम आएगी, वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रिसर्च करेगी, रिसर्च करके देखेगी कि यहाँ पर रिपोर्ट जहाँ पर बनाना फायदेमंद है या नहीं है, तो वो उसको पूरी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट देने के बाद उसका मंजूर होगा, एक्शन होगा, उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये पूरी इंग्लिश आपको आगे जाके ऐसी लिखी है, लेकिन मैंने आपको झटके तरीके से थोड़ी शायद आप ना ये ना समझे झटका तरीका कौन सा होता है, क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं वो तो डिफरेंट सूबे से भी हो सकते हैं, तो मतलब एक आम तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, ठीक है, इसका सुपर स्ट्रक्चर के कितने पार्ट्स हैं, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोबारा फिर वो क्वेश्चन जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़े, बस एक दफा आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर ये देखें, मैंने पिछले भी बताया ये भी बताया, ये 5 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रख लें, फिजिकल रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसके अलावा आपका हो गया जनरल रिपोर्ट, इसके अलावा इंपीरिकल रिसर्च रिपोर्ट, इन तीनों के अंदर से आपका 20 से 25 नंबर का पेपर आना है, वो एमसीक्यू की शक्ल में आए, वो ट्रू फॉल्स की शक्ल में आए, वो शॉर्ट मार्क की शक्ल में आए, लेकिन पेपर इसमें से लाजमी आएगा।
जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो किसी ना किसी हद तक बच जाएगा, जो रट्टा लगाएगा उसको समझ नहीं आएगी। ये एग्जाम्पल्स है, ये है उसको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, देखे ना, ये भी फिर कंक्लूजन रेकमेंडेशन, सिर्फ एक दफा इसको याद करना है, एक दफा इसको देखना है, इसमें बार बार आना है, ठीक है। इसलिए इसमें एमसीक्यूज में आता है, देखो किसी ना किसी लेक्चर में तो इंस्ट्रक्टर का ध्यान जाता है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट। मैं अब आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बता देता हूँ, जैसे मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपको बताया प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। अब देखें, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है, अब मालिक ने, गवर्नमेंट ने, सूबे के ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ ऑफिसर्स ने, या किसी ने भी, ठीक है, या किसी ने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है, एक काम जो हो रहा है, ठीक है। अब कुछ टीम को कहना है कि आप लोग मुझे प्रोग्रेस की रिपोर्ट दें, कि प्रोग्रेस की रिपोर्ट जो है वो मुझे दें आप लोग, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि मेरा काम कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेस की, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। तो मतलब इसको ये प्रोग्रेस के लिए लिखी जाती है, इसका एक एमसीक्यू भी आप याद रखेंगे, रिपीट भी हो रहा है, मेरे में भी याद है, ये मेरे मतलब एग्जाम में भी आया था, कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो इसलिए होती है कि इसमें हमने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए प्रोग्रेस की रिपोर्ट लिखवाई जाती है, कि उस जो ओनर है उसको अंदाजा हो जाए कि इसको कितने, कितना अच्छा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ताकि उसको फाइनलाइजेशन डेट उसके जेन में आ जाए। तो ये मैंने आपको एक समरी सी बता दी लेक्चर की, इस लेक्चर की, बाकी जो आगे आगे होता है मैं आपको सुना देते हैं। इसके सुपरस्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर देखें, इंट्रोडक्शन, फैक्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। अब प्रपोजल, प्रपोजल का मैं आपको शॉर्ट, प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल ये होता है कि जैसे किसी से मोहब्बत का इजहार करना, ये प्रपोजल है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रपोजल है, यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ कि प्रपोजल क्या है, कि जैसे कोई आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई आपने चीज लिखनी है, ठीक है, तो उसको आपने लिख के अगले को पेश करनी है। जब आप अगले को पेश करेंगे तो फिर उसको पसंद भी होनी चाहिए, तो इसलिए प्रपोजल को फिर इस तरीके से लिखा जाता है, ताकि अगले जो व्यूअर है, जो लिसनर है, या जो जिसको आपने देना है उसके नजर से, मतलब फिर इसके जो प्रपोजल के सुपर स्ट्रक्चर होने हैं आगे जाकर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन इसमें होगा, प्रॉब्लम होगा, ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट, मेथड, रिसोर्सेज, शेड्यूल, क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट, कॉस्ट, ठीक है, उसमें अभीग आगे जाके आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा जाके, ठीक है। तो ये इसका भी सुपर स्ट्रक्चर देखे, अभी तक मैं आपको चार सुपर स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, ठीक है, चार में से इन चार सुपर स्ट्रक्चर में आपका 20 नंबर का पेपर आएगा, बेशक वो एमसीक्यू की शक्ल में आए, ट्रू फॉल्स की शक्ल में आए, जैसे भी आए आप चेक कर लीजिएगा। द क्वेश्चन रीडर आस्क मोर, ये एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा, जिनको मैं मेंशन करूं ना इनको लाजमी पढ़िएगा। अब देखें, पढ़ना आपने है, ठीक है, आप पढ़ेंगे। मैं क्यों नहीं हर चीज को कवर कर रहा, क्योंकि मैंने आपको वो चीजें करवानी है पेपर के हवाले से, ठीक है। लेकिन आप लोग इसमें स्किल भी सीखें, इसको लर्न करें, इसको देखें, क्योंकि डिग्री में आप स्किल ओरिएंटेड बने, स्टडी एजुकेशन ओरिएंटेड छत ना बने, एग्जाम ओरिएंटेड ना बने, ठीक है। ज्यादा नंबर लेने से आपको ज्यादा लाइक या आपको ज्यादा अक्लमंद नहीं होता, ठीक है, जिसकी ज्यादा स्किल होगी वो ज्यादा आगे जाएगा। तो इसलिए नंबर्स के ऊपर फोकस कम कर दें, पास होना एक चीज लाजमी है, अच्छे नंबर भी लेना अच्छी बात है, लेकिन स्किल ओरिएंटेड बने। अब देखें, ये आपको तकरीबन को 5-23 या 24 टॉपिक के अंदर भी ये चीज आई थी,
कुछ चीजें रिपोर्ट्स हो रही हैं, अब आगे विजुअल एड्स स्टार्ट हो जाएंगे। साथ साथ मेरे जेब में एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, यहां से आ रहा थी आ रही है, मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। ये दो नंबर का शार्ट क्वेश्चन मेरे में भी आया था और एक दो पेपर में मैंने और भी देखा है, ठीक है। तो ये आपने एक दफा इसको पढ़ लेना है, अपने लफ्जों में लिख लेना अगर आ गया, ठीक है। ये पेज लाइन का एमसीक्यू आया था, ये डेथ रीड, हाँ बिल्कुल रीड ही है, ये एमसीक्यू आया था, ये इसको जेन में आपने रख लेना। जो व्यूवर एड की एमसीक्यू आया था, इसकी डेफिनेशन एक फिर हो आया था कि व्यूवर थ्री डी में कौन सा होता है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो थ्री डी में होता है, ये बात याद रखिएगा। व्यूवर एड्स के अंदर जो एमजी जो होता है ना ऑब्जेक्ट, वो थ्री डी होता है, थ्री डायमेंशन होता है, इसलिए एमसीक्यू आपका आता है। ये मोटिवेशन के मुताबिक आया था एमसीक्यू एक ना, कि आई थिंक एक स्टेटमेंट थी, ये वाली को स्टेटमेंट थी ना, इंस्ट्रक्शंस दे अपन, तो इस मोटिवेशन था इसका एमसीक्यू, इसका जवाब था। ये देखें ये स्टार्ट हो गया, मैंने आपको बताया विविल एड क्या होता है, आगे मैंने पहले आपको इसके रिलेटेड बता चुका हूँ मैं। ये फिर यहाँ पे डेसिमल और वो अरेबिक और ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कर लिया, इसको आपने लाजमी तौर पे कर लिया, ठीक है। ये तीन जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका एक एमसीक्यू बन जाना है, ये उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाए, इनके आपने नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। ये मेरा दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि इसके नाम लिखें विजुअल एड में रिलेटेड, ये टेल प्रूफ आप लिखनी थी दो नंबर का, बस नाम लिखने थे, तफसील नहीं थी लिखनी। हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। स्पेसिफिकेशन एंड एनालाइज रिपोर्ट, अब मैं आपको बताता हूँ एनालाइज रिपोर्ट क्या होती है। देखें लफ्ज से ही पता चल रहा है कि एनालाइज रिपोर्ट क्या है। अब एनालाइज रिपोर्ट का मतलब ये है कि कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, अब उस काम की हमने डिटेल्स पता करनी है। मिसाल के तौर पर एक कंस्ट्रक्शन की एक प्रोजेक्ट बांध रहा है, उसमें 10 प्लाजे बांध रहे हैं, तो अब उसमें ये पता करवाना है कि इसमें वैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दे रहा हूँ आपकी समझने के लिए, ठीक है, आपको मतलब इसका समझ आ जाए, बाकी डेफिनेशन आपने उससे देख लेनी है। तो मतलब अब एक प्लाजे बांध रहे हैं उसमें 10, अब एनालाइज में क्या होगा कि वो लिंक देगा रिपोर्ट के अंदर कि इतना मटेरियल लग रहा है, इतना सीमेंट, इतनी रेत, इतनी बजरी, इतनी रेबर की कास्ट आ रही है, तो उसको एक एनालाइज हो जाता है कि यार टोटल फाइनल में पहुंच जाता है, जब मैं शुरू किया था तब हर चीज का रेट क्या था, अब क्या है, आगे किस परसेंटेज में ये बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो एमसीक्यू का एक लाजमी आना है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन स्पेसिफिकेशन है ये आपने देख लेने हैं। अगर कुछ चीज समझ ना आए तो कमेंट के अंदर आपने लिखना है, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे आए, मतलब मैं आपको बताऊंगा, जिस टाइम आपने कुछ भी पूछना है आपने मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक इलम है, इलम जो है वो छिपाया कुछ लोगों का ही होता है कि यार
मेरे पास इलम है तो मैं इसको मतलब बताऊंगा तो ये काम हो जाएगा, नहीं इलम बताता है कभी भी काम नहीं होता। ये इलम एक ऐसी रोशनी है कि जितना आप इसको बताओगे आपका बढ़ेगा। शायद आपको बता के मेरा ये एक दफा पक्का हो जाए, शायद ये भूल जाता मुझे, क्योंकि अब मेरा पेपर हो गया इसका, अब ये सब्जेक्ट क्लियर था, लेकिन मैंने अपना नॉलेज इलम मैंने अभी मैं 11 बजे 1 बजे 1:30 बजे पहुंचा हूँ और 1 घंटे मैंने काम किया और मैंने कहा जल्द से जल्द ये वीडियो बनाऊँ, खुद पेपर दे के आऊँ। अभी तक अब आप खुद पेपर देंगे आए, आपको 2 घंटे पेपर दे के आए तो आपको पता तो चल जाएगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है। 10 से 12 लोगों का मैंने और पेपर देखा, तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक दफा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन करें। मैंने आपको पहले बताया कि 95% व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसे नहीं लगते। अगर मिसाल के तौर पे कुछ नुकसान हुआ आपको चैनल सब्सक्राइब करने का, आप कमेंट में मेरा नंबर ले लीजिएगा तो जो मतलब आपका जुर्माना हो मैं पे करूंगा। तो लाइजा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे चलते हैं, हाउ टू अवॉइड कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम। कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड करें, ये इसमें मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाके जो इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं। ये देखिए पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स, इसके अंदर से 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये पंक्चुएशन प्रॉब्लम, ये आपने यहाँ से पढ़ना है तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखें, ये आया था सब्जेक्ट वर्ब, ये स्पीकर दिए थे और बताना था कि ये एस वी है, एस वी ओ है, एस एल वी सी है, ये एस वी आई ओ है। ठीक है, एस वी क्या होता है, सब्जेक्टिव वर्ब सेंटेंस। एस वी यू क्या, वी ओ क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस। ओ क्या, एस एल वी सी क्या होता है, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब। इसको हम कंप्लीमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, और एम सी क्यूज भी आया था इसमें, ये आई थिंक आया था द प्रोग्राम की टर्मिनल, द प्रोग्रामर की टर्मिनल, ये कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, ये कौन सा है। तो ये इस तरह आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। आप अपने हैंडआउट्स अपने पास रखें, जो निशानी में लगवा रहा हूँ उसको लगाएं। ठीक है, तो बाद में इसकी तैयारी कीजिएगा जब वीडियो खत्म हो जाए। एक दफा वीडियो की समझ ना आए इसको दूसरी दफा देखें। ठीक है, दूसरी दफा देखें आपको इसमें, क्योंकि अब मैंने इसमें के ऊपर तो और मजीद वीडियो बनानी नहीं है। आगे चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है, इसके अंदर ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने कर लेना है। 10 नंबर का पेपर आपका इस लेक्चर के अंदर से आएगा। 10 नंबर का, वो एमसीक्यू की शक्ल में आए, वो लॉन्ग शॉट की शक्ल में आए, जैसे भी, ये 10 नंबर का पेपर आपका लाजमी इसमें से आएगा। आपको मतलब बेस्ट है, मैं आपको बता दूंगा, आप इसमें ये 2 लेक्चर है, लैंग्वेज रिव्यू 1 है और आगे 2 भी आएगा। तो इसमें आप क्या करें, यूट्यूब पे सर्च कर लें। ठीक है, उसमें बोले पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं, लैंग्वेज रिव्यू है, इसमें कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं। इसमें काज अफेक्ट का आया था, मतलब वो काफी इसका आ रहा है काज और अफेक्ट का, ये मैं आपको बता देता हूँ। काज क्या होता है कि किसी भी चीज का जो मतलब कोई भी वाक्य होता है ना, वो काज होता है, और जो उसका असर होता है वो अफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे आपको एक वो शुगर की बात समझा देता हूँ, शुगर समझा देता हूँ। आपने किसी को सुई चुभोई है, उसने आपको थप्पड़ मारा। ठीक है, अब आप जो स्विच हुई है वो क्या था, काज था, उसको दर्द हुई, उसने आपका थप्पड़ मारा, ये क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया। ठीक है, तो अब यही हमेशा समझना कि जो काज है वो वजह है। ठीक है, पहले कहीं सेंटेंस में पहले काज दे देते हैं फिर बाद में फैक्ट देते हैं, लेकिन आपने जुमले को ही देखना, आपने समझना कि क्या हो गया और उसकी वजह से असर क्या हो गया। ठीक है, इसको काज और फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, कि क्या मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से नजरात काम, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से अली को नजरात काम हो गया। अब इसमें काज क्या है, रेन, और फैक्ट क्या है, ठीक है, उसको डिजीज होगी। ठीक है, अब काज और फैक्ट ये आपने करना है। उसके बाद एक आ रहा है, ये मैं बताता हूँ, कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ये क्या है,
ये आपको वो दो स्टेटमेंट्स देंगे, आपने उसमें से जो मतलब रिलेटिव जो है ना उनका कंपेरिजन हो रहा है वो आपने निकालना है, और कंस्ट्रक्ट क्या है जो मतलब इनमें से आपने अलग अलग करना है, बाकी एनालाइज को देख लेना है, उसके बाद आपने इसको देख लेना है, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन, इसको आपने देख लेना है, इसकी डेफिनेशन आई थी एमसीक्यू के अंदर, ये आपने देख लेना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा बताते हैं, हमारी वीडियो लॉन्ग हो रही है, असल मैंने एक ही वीडियो में इसको 201 को क्लियर करना था, कि जो भी देखे एक वीडियो में उसको टोटल गैस हो जाए। मैंने देखी है यूट्यूब के ऊपर डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे घंटे की वीडियोज पड़ी है, देख उनका शायद मेथड मेथड भी समझाने को का ठीक हो, लेकिन वो पेपर के मुताबिक नहीं आपको समझा रहे, वो स्किल के मुताबिक समझा रहे। मैं आपको पेपर के रिलेटेड समझा रहा हूँ कि आपने पेपर को कैसे पास कर लेना, ठीक है। अगर आप एक 6 माह 7 माह पहले तैयारी कर रहे हैं, आप उनको देखें, अगर आपकी तैयारी 1 महीना पहले 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप तैयारी ही देख रहे हैं, देन आप इन चीजों को कर लें। ये चीज मैंने बताया मोटिवेशन इसमें मेरा आया, ये वही चीज फिर दोबारा और देखें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, मैंने बताया आपको मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन आया था एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का, तो ये आपने 10 नंबर का पेपर इन दोनों लेक्चर में लाजमी आना, इनका एक आगे प्रिपरेशन मार्क्स आएगा, प्रिपरेशन मार्क्स में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कोई इतना हार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेम जो है ना, ये ही जो है ना बिल्कुल एमसीक्यूज में आई थी, ही लाइक्स क्रिकेट एंड ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, ये आया था कि ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, फॉल्टी कंपैरिजन है क्या है, तो ये मतलब इनकम्प्लीट, मैंने इनको इनकरेक्ट लगाया था, इनकरेक्ट सेंटेंस था, तो ये इस तरह का आया था, तो उस तरह आपकी तरफ ये आ रहे, इन दोनों लेवल में एक तो आए गई आप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी तकरीबन आई थिंक 8 नंबर का पेपर जो है ना फर्स्ट स्टूडेंट का इसमें आ रहा है, 8 नंबर का पेपर इसमें से भी तकरीबन आ रहा है, ये मैंने पहले इसका पहले पूरी वीडियो को मैंने एनालिटिक बनाया, ठीक है, मैंने लिखा है इसकी तैयारी किया है घंटा, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियो ही बना रहा हूँ। यहाँ पे एक आएगा ये देखें, ये लैंग्वेज इनको आपने देख लेना है, ठीक है, ये देखें, ये 5 नंबर का पूरे पेपर में ये आने आने हैं, ठीक है। याद रखें पेपर 80% जो टाइप का आना है, समझिए जो आपका पेपर आना है, मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं, ठीक है, उसमें डेफिनेशन सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में शायद एक आ रहे या 2 आ रहे, बाकी सारा फॉल्स फॉल्स और ट्रू बताने हैं, फॉल्स है ये ट्रू है, फॉल्स है ट्रू है, स्टेटमेंट्स दी होंगी, जहां जहां मैंने आपको बताया उनमें से तकरीबन 60-70% स्टेटमेंट्स आएंगी, बताना है रोंग है सही है, रोंग है सही है, रोंग है सही है, कोई इक्का दुक्का होगा जिसकी डेफिनेशन आएगी, इसलिए मैं अभी ये साफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिक्स था पेपर, मैं इसलिए सब के मुताबिक चल रहा हूँ, ये मॉडिफायर मॉडिफायर को आपने देख लेना है, एमसीक्यू आया था इसके रिलेटेड मॉडिफायर के लिए, ये जो लेक्चर है ना इसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कर लें, इस लेक्चर में आपका मैं कहता हूँ 15 नंबर का आपका पेपर कवर होगा इस लेक्चर को करने से, और दोनों मिला के 25 नंबर का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, वो ग्रामर वाले 2 लेक्चर में, एक ये लेक्चर और एक आगे लेक्चर है, पर 25 नंबर का इजिली क्लियर हो जाएगा आपका, ये मैं आपको ये इसको वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके आप देख लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो रही है ताकि मैंने इसको एंड करना है, ये देखिए मेरा ये आया था जो मेरा डेफिनेशन बता रहा हूँ ना आपको,
क्या था इसमें था ये जो है ना इनमें से मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था ठीक है। तो इनमें से मतलब किसी को आ रहा है कैपिटलाइजेशन पे आ रहा है सिंबल के ऊपर आ रहा है ये मेरा एमसीक्यू भी आया था ये क्रोनिक्स ये वाला एमसीक्यू भी आया था मेरा। अब 30 से लेके 45 तक आपने शॉर्ट लेक्चर कोशिश करें लाजमी लें ठीक है। इसमें तकरीबन आपका 70% पेपर आ रहा है 30 से लेके 45 तक 70% आपका पेपर आ रहा है। बाकी 30% जो पिछले 7 लेक्चर हैं ये जो वैसे आप ग्रामर से या पीछे से आ रहा है लेकिन बाकी आपका 70% पेपर आपका इन 15 लेक्चर में आ रहा है। इनको आपने ध्यान से देख लिया ये हर एक एमसीक्यू एक में लाजमी आती है एक एमसीक्यू में लाजमी आती है ये ठीक है। ये लाजमी आती है मेरा ये आया था रैम ठीक है ये मेरा रैम आया था इसके बाद इस लेक्चर के अंदर कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी आई आपने एक चीज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये आपने इसको पढ़ लेना है इसको लाजमी आप लोगों ने पढ़ लेना है ये इंटरव्यू टाइप्स ये इसकी डेफिनेशन और इनको एक दफा आपने देख लेना है ओपन ओपन एंडेड क्लोज एंडेड ये वाली जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ इसके अंदर से वो मेरा खास पेपर नहीं आया ना ही मैंने देख लिया ये इसको देख लेना इसके अनुसार क्यों आया था ये इसके अंदर से तकरीबन यहाँ 3 एमसीक्यू आए थे एंड इसके सिर्फ एमसीक्यू आए थे एंड से और जो 45 लेक्चर है ना आपने ऐसे करना है कि पेपर में जाने से पहले ना इसको 2 दफा आपने रीड करना है 2 दफा सिर्फ रीड करना है आपने ठीक है। 45 लेक्चर इस लेक्चर अगर आप ये लेक्चर रीड करते हैं ना तो अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं चाहता ये वो लेक्चर रीड कर लेता सारा ठीक है उसके 25 नंबर आ जाएंगे ये मैं दावे से कह सकता हूँ ठीक है। उसकी वजह क्या है ये पूरी बुक का रिव्यू दिया हुआ ठीक है पूरे बुक का रिव्यू है इसके अंदर। तो ये थे हैंडआउट्स मैंने आपको हैंडआउट्स भी कवर करवा दी इंग्लिश टू जबान के ठीक है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उनकी निशानदाही कर ली थी आपको कुछ ज्यादा आप तुम्हें बर्डन नहीं मैंने डाला जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों को इधर से देखें यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर्स लें या यूट्यूब से सर्च करें गूगल से सर्च करें इनके ऊपर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं इनके ऊपर जब आप अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो इनका 55 एमसीक्यूज 5-8 क्वेश्चन 5 लाख क्वेश्चन जब आप आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा ठीक है। क्योंकि मैंने मुझे को गाइड नहीं था करने वाला पेपर से पहले तो मेरे से काफ़ी गलतियाँ होगी ठीक है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब आप में से किसी कोई बंदा गलती ना करे आप में से हर बंदे का पेपर अच्छा होना चाहिए। चलो मेरा तो जो होगा वो वापस तो नहीं आ सकता ना लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ठीक है सारा समझा रहा हूँ कि आपने इस तरीके से करना है। हैंडआउट्स भी आपको
टोटली तौर पर मैंने आपको बता दी है, समझा दी है, ठीक है, और ये भी आपको पेपर में बता दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को भी चाहिए, पास पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट के पास पेपर चाहिए, तो वो ऐसा करे कि वो मुझे मेरी जीमेल आईडी है SAKOBTANBEER2777@gmail.com, तो ये मेरी आईडी है। तो ऐसा करें कि जिसको भी अगर पास पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट पास पेपर चाहिए, या कोई भी क्वेरी है या कोई भी इशू है रिव्यू के रिलेटेड, कोई समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो मैं फिर सभी आपको इसमें हेल्प करूंगा, कोई बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इंतजाम के। आपको स्टडी के अंदर कोई टेंशन आ रही है, कोई मसला हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही, स्टडी की समझ नहीं आ रही, मेरे चैनल के अंदर PARK301 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, ISL202 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसके अलावा English101 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसके अलावा बेशुमार वीडियोज पड़ी हैं जो आपके फाइनल टर्म की तैयारी के लिए, आप इसकी प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई मसला और मुश्किल आ रही हो, तो वो बहन है मेरी या कोई भाई है, ठीक है, तो उसको कहीं भी इशू आ रहा है तो मुझे मेल करें, जो मैंने आपको बताया है SAKOBTANBEER2777@gmail.com, इसके ऊपर मुझे मेल करें, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से फिर वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, और व्हाट्सएप के ऊपर आपको पास पेपर चाहिए या कोई इशू है, तो इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसका हल हुआ तो मैं लाजमी तौर पर आपको उसका कोई ना कोई हल करूँगा। तो देखें इतनी मेहनत लगाई है वीडियो में, तो अभी भी अगर किसी ने चैनल, मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो देखेगा वो लाजमी तौर पर उसने कर दी होगी, लेकिन अगर अभी भी किसी ने नहीं की तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, और जो बंदा वीडियो देखे सिर्फ उसने एक कमेंट करना है, बेचारा अगर उसको वीडियो अच्छी लगी है बुरी लगी है, लेकिन एक लाजमी करना ताकि मैं देखूँ, ताकि अगर मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है तो मैं ध्यान भी आगे भी आपको वीडियोज दूँ, मैं बगैर किसी लालच के ये कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करें और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात को निकाले, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इम्तहानात में कामयाबी फरमाए, और हमें अपने आहिरत के इम्तहानात में तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह जो भी मैंने आपको इल्म दिया है, नॉलेज दिया है, वो काम भी अल्लाह का था और उसके बंदों का है, और इंशाल्लाह आगे भी उन्हीं का होगा।